तो यार आज अपन देखने वाले हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखने का, तो बस याद रखने का कैल्शियम की एंट्री यहाँ पर रुक जाएगी। कैल्शियम की एंट्री जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उतना ध्यान नहीं रखने का, तो बस ये याद रखना कैल्शियम की एंट्री जो होती है रुक जाती है। उसके बाद जो यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रखने वाली है, जो कैल्शियम का सबसे पहले मैं ट्रेन ड्रग बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल ड्रग है। एग्जांपल सो इसको मुझे चेंज करने दो, एग्जांपल मैं दिख रहा हूँ, एग्जांपल वेरापामिल के बाद डेल्टियाजम और निफेडिपिन। तो ये तीन ड्रग आपको याद रखने का है, कौन कौन थी, वेरापामिल, डेल्टियाजम और निफेडिपिन। तो यार अभी आगे बताता हूँ कि तीनों ड्रग का इम्पोर्टेंट क्या है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेल्टियाजम, वेरापामिल और निफेडिपिन। डेल्टियाजम, वेरापामिल एंड निफेडिपिन। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक होता है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका। सो बेसिकली सबसे पहले जो होता है, जो अपना है डेल्टियाजम, ये डेल्टियाजम बेसिकली डी है। तो डेल्टियाजम जो होता है वो क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है डिक्रीज। निफेडिपिन हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज। सॉरी वेरापामिल है ना, तो वेरापामिल हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज। और निफेडिपिन हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज। तो डेल्टियाजम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, वेरापामिल भी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, पर निफेडिपिन रिफ्लेक्स टैचिकार्डिया। मतलब कैसा, कोई भी पेशेंट है उसमें अगर ब्लड नहीं आ पा रहा है, उतना ब्लड जिसको जितना हार्ट मसल को उतना जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, तो क्या करता है, हार्ट क्या है, तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन का हो पूरी हो सके, इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब दो चीज़ें हैं ध्यान से देखने वाली हैं। हाँ तो एक सेकेंड, वेरापामिल और डेल्टियाजम ये दोनों हार्ट रेट को क्या करते थे, डिक्रीज करते थे हार्ट रेट को। निफेडिपिन क्या करता था, हार्ट रेट को इंक्रीज करता था, रिफ्लेक्स टैचिकार्डिया कराता था। अब यार देखो, अगर हम लोगों को बीटा ब्लॉकर, सपोज अपने पास बीटा ब्लॉकर है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, बीटा ब्लॉकर को हम लोग वेरापामिल, डेल्टियाजम और निफेडिपिन किसके साथ दे सकते हैं, किसके साथ नहीं दे सकते हैं? आपको पता है जो निफेडिपिन है और जो बीटा ब्लॉकर है, निफेडिपिन क्या करता है, टैचिकार्डिया करा देगा, क्योंकि सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाता है। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, इसी को डीएक्टिवेट कर देता है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ, देखो वेरापामिल है और डेल्टियाजम ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, निफेडिपिन हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो देखो जो बीटा ब्लॉकर है, मैं बता रहा हूँ, एक इसके साथ अपन दे सकते हैं, निफेडिपिन के साथ, वेरापामिल के साथ या डेल्टियाजम के साथ। तो अगर मैं निफेडिपिन प्लस बीटा ब्लॉकर लेता हूँ, तो याद देखो क्या होगा इसमें, देखो जो निफेडिपिन है वो रिफ्लेक्स टैचिकार्डिया करा देता है, वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, तो पेन होने लगा पेशेंट को। पर ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर इसी को ही डीएक्टिवेट कर देता है, इसको अगर डीएक्टिवेट करेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, अपना हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और पेन जो है रिलीफ हो जाएगा। तो इसके साथ तो हम लोग दे सकते हैं। पर यार अभी देखो जो वेरापामिल है और डेल्टियाजम, दोनों को लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं बीटा ब्लॉकर, तो ये भी देखो, ये भी क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं। मैंने अभी बताया था, ये रिफ्लेक्स टैचिकार्डिया नहीं कराता, ये भी हार्ट रेट को कम करता है,
मतलब एक कार्डियक डिप्रेसेंट है, ये भी हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। अब दोनों अगर हार्ट रेट को कम कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, असिस्टोल, असिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्ट अपना काम करना है बेसिकली क्या करने का, उसमें बंद कर देगा। तो बेसिकली इसी के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे, सो अवॉइड बीटा ब्लॉकर विथ वेरापामिल एंड डेल्टियाजम। और हम लोग वेरापामिल और डेल्टियाजम के साथ बीटा ब्लॉकर अवॉइड करते हैं, और अगर बीटा ब्लॉकर है प्लस निफिडिपिन है तो हम लोग ईजिली उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।